मॉर्निंग क्लास। देखिए आज इस चैप्टर में एक तो आपका ये टॉपिक बच रहा है संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध और इसके न्यूमेरिकल बचे हैं। ओके तो पहले ये करते हैं फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध किस तरह से आप लोग दिखाएंगे इसको? देखो किसी वस्तु संवेग होता क्या है, मैंने आपको बता रखा है संवेग पी बराबर एम वी होता है। ओके परिवर्तन की दर, ये जो दर वर्ड यहाँ पे आया है इसका मतलब होता है समय के साथ, समय के साथ यानी अपोन में टी आ जाएगा। संवेग परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा पी, डेल्टा का मतलब परिवर्तन और पी का मतलब होता है संवेग। चलिए देखिए तो संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो हमेशा उस पर लगाए गए बल के बराबर होगी, ये इसका रिलेशन है, ये फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। देखिए अब न्यूमेरिकल, उस बल की गणना कीजिए जो विराम में रखी इतने ग्राम किलोग्राम की वस्तु में इतने सेकंड में इतना वेग उत्पन्न कर दे, ये लिखा हुआ है सब आपको पता होना चाहिए। बल आप निकाल रहे हैं तो बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए, एम आपके पास है लेकिन त्वरण आपके पास नहीं है और त्वरण के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ से त्वरण आप लोग आपका निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विराम में रखिए तो प्रारंभिक वेग यानी यू का मान जीरो हो जाएगा। ओके त्वरण आया तो यहाँ पर वैल्यू रख के एफ बराबर एम ए, एम आपका दिया है दो, ये त्वरण आया तो 40 न्यूटन का बल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल इसी के बिहाफ पे है बिल्कुल, तो आप लोग खुद से करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए बहुत खास है, इसमें कहा गया है कि एक बंदूक तथा गोली के द्रव्यमान क्रमशः इतने इतना है, गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर चलती है तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी? देखो सबसे पहले पता होना चाहिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम लग रहा है, गोली चलेगी आगे को बंदूक हटेगी पीछे को, राइट। अब देखो सबसे पहले बंदूक के लिए बंदूक का द्रव्यमान M1, 1-1 वाले सारे बंदूक के लिए है, 2-2 वाले सारे गोली के लिए है। M1 2 2 किलोग्राम, U1 V1, U1 0 है क्योंकि शुरू में तो आप गोली जब चलाते हैं तो उसको बिल्कुल फिक्स करके पकड़ते हैं। तो क्या हुआ देखो V1 का मान आपको निकालना है, U2 0 दे रखा है, V2 दिया हुआ है, M2 ग्राम में दे रखा था 15 ग्राम, आपने इसको क्या किया कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। अब देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, M1 U1 plus M2 U2 is equal M1 V1 plus M2 V2। तो यहाँ से आप लोग ये सब मान रख देंगे, इधर जीरो होगा टोटल, तो यहाँ से मान निकल के आएगा, वेग का मान आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें माइनस आएगा, माइनस ये बताएगा कि इसकी जो दिशा है वो विपरीत है, राइट। ओके